हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल बंगाली फैमिली इन यूएई, जहां मैं बात करती हूं यूएई और ट्रैवल से रिलेटेड छोटी बड़ी खबरों की। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करेंगे एमिरेट्स आईडी को लेके। एक नया अनाउंसमेंट हुआ है दुबई गवर्नमेंट की तरफ से, यानी कि आपको क्या करना है एमिरेट्स आईडी को लेके, उसके लिए एक अपडेट है। आप सबसे रिक्वेस्ट है वीडियो को एंड तक के देखिएगा ताकि पूरा अपडेट आपको पता चल सके। तो दोस्तों, कुछ दिन पहले ही आया था दुबई लैंड डेवलपमेंट की तरफ से, या बोल लीजिए दुबई लैंड डिपार्टमेंट जो है उसके तरफ से ये नोटिफिकेशन आया था कि दुबई में जो लोग भी रहते हैं साथ में, चाहे उनकी फैमिली हो, फ्रेंड्स हो, रिलेटिव हो, शेयरिंग पे रहे, जैसे भी लोग रहते हैं, तो आपको अपने साथ में रहने वालों के साथ एक रजिस्ट्रेशन करना होगा। अगर टेनेंसी कॉन्ट्रैक्ट जो है वो आपके नाम पे है, तो आपको अपने साथ वालों के भी पूरे डिटेल्स आपको भरने होंगे, ठीक है। चाहे वो फैमिली हो, फ्रेंड्स हो, रिलेटिव हो, कोई भी हो, अगर आप एक साथ रहते हैं तो। उसके बाद ये सामने आया कि बहुत लोग जब उस ऐप को, दुबई रेस्ट करके एक ऐप है, उस ऐप के थ्रू आपको वो रजिस्ट्रेशन करवानी है, तो जब रजिस्ट्रेशन करवाने जा रहे हैं तो उसमें क्या होता है कि एमिरेट्स आईडी नंबर आपका मांगता है। जैसे ही एमिरेट्स आईडी नंबर आपको मांगता है तो फोन में एक ओटीपी जाता है, उस ओटीपी को भी वहां पे फिल करने के बाद वो प्रोसेस पूरा होता है, ठीक है। तो जो फोन नंबर है एमिरेट्स आईडी के साथ लिंक नहीं है आपका, या पुराना नंबर है, बंद हो गया है, या गलत नंबर दिखा रहा है, तो ओटीपी तो नहीं आएगा, उससे आप लोग रजिस्ट्रेशन भी नहीं करवा सकते हैं। तो ऐसे में ये अनाउंसमेंट हुआ है कि जिन लोगों का भी एमिरेट्स आईडी के साथ फोन नंबर लिंक नहीं है, चाहे वो अभी डीएलडी वाला ही रजिस्ट्रेशन करवा रहे हों, या ऐसे भी नॉर्मल भी जो है, अगर आपका फोन के साथ एमिरेट्स आईडी लिंक नहीं है, तो आपको बहुत जल्द ये काम करवाना होगा। आपके पास जो एक्टिव मोबाइल नंबर है उसके साथ आपको आपका एमिरेट्स आईडी कार्ड जो है वो लिंक्ड करवाना ही होगा। और कैसे लिंक करवाना है, बहुत इजी प्रोसेस है, कहीं भी आपको जाने की जरूरत नहीं है। आप लोग आईसीपी की जब वेबसाइट खोलते हैं तो वहां पे फोन नंबर चेंज का ऑप्शन आ जाता है। वहां पे जब आप लोग फोन नंबर चेंज करेंगे तो न्यू नंबर वहां पे डाल दीजिए, एक पेमेंट ऑप्शन आता है, पेमेंट जो है वो 50 दिरहम्स चार्जेस है। 50 दिरहम्स आपको पे करने के बाद वो जो एमिरेट्स आईडी है उसका कार्ड डिटेल्स वगैरह आप देते हैं, आपकी जो वीजा है, वीजा जो लगी हुई है उसका जो फाइल नंबर होता है, ऊपर में लिखा होता है फाइल नंबर, वो आपको वहां पे फिलअप करना होता है। ये सारी डिटेल्स फिलअप करने के बाद आपका जो फोन नंबर होता है वो एमिरेट्स आईडी के साथ लिंक्ड हो जाता है, या फिर पुराना नंबर है तो वो चेंज होके आपका नया नंबर हो जाता है। इसके लिए चार्जेस है 50 दिरहम। तो ये दुबई रेसिडेंट सबको करना है, कंपलसरी है, और ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपका एमिरेट्स आईडी जो है आपके फोन नंबर से लिंक नहीं है। तो गाइज, आई होप ये वीडियो आपको हेल्प हुई होगी, और भी कोई क्वेश्चन हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।